कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कर्नाटक चुनाव परिणाम में नफरत की दुकान को बंद कर दिया है और मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का चुनावी कैंपेन गरीब जनता के वेलफेयर पर फोकस्ड था। कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि मोहब्बत इस शहर को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है, ये कर्नाटक की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हमने कर्नाटक की जनता से 5 वादे किए थे। इन वादों को पहले दिन पहली कैबिनेट में पूरा किया जाएगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कर्नाटक की जनता ने हमें भारी बहुमत दिया है, वो इसके लिए कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद देते हैं, हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते हैं। हमारे काम उनके विश्वास के साथ न्याय में करेगा, हम सभी 5 गारंटियों को पूरा करेंगे। वहीं दक्षिण भारत ने मिली जीत के साथ कांग्रेस पार्टी अब कुल 7 राज्यों में सत्ता में आ गई है। जिन 4 राज्यों में कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में है उनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक शामिल हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ सत्ता साझा कर रही है। पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को, और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए देखिए, कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत को, मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है।